एमआर के चिल्ड्रन एकेडमी मुरादाबाद एवं मदरसा जामिया अख्तरुल उलूम के संयुक्त तत्वाधान में एनुअल फंक्शन एवं अवार्ड वितरण कार्यक्रम का मियां कॉलोनी रोड करूला मुरादाबाद में 31 मार्च 2022 को आयोजन किया गया, जिसमें उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चौधरी कैफुल वरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए मदरसे व अकेडमी के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर हाजी जहीर अहमद, सदस्य उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी एवं पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाया। कक्षा नर्सरी में प्रथम स्थान आलिया, एलकेजी में प्रथम स्थान बिलाल, कक्षा यूकेजी में प्रथम स्थान रहमान, कक्षा एक में प्रथम तस्मिया, कक्षा दो में प्रथम रूबिया, कक्षा तीन में प्रथम इकरा, कक्षा चार में सुहेब, कक्षा पांचवी में स्वालेहीन, कक्षा सातवीं में प्रथम इल्मा परवीन और कक्षा आठ में सुभाना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा नर्सरी में द्वितीय स्थान मोहम्मद एहसान, एलकेजी में हिजमा, यूकेजी में अमान, कक्षा एक में आराम, कक्षा दो में अब्दुल्ला, कक्षा तीन में तैयबा, कक्षा चार में अब्दुल्ला एवं अदीबा, कक्षा पांच में अनस, कक्षा सात में मीना और कक्षा आठ में बुशरा को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ कक्षा नर्सरी में गुफरान, एलकेजी में समाज, यूकेजी में अफसान अबू बकर, कक्षा एक में आशिया, कक्षा दो में बुशरा, कक्षा तीन में सनी, कक्षा चार में अलीना, कक्षा पांच में सना मंतशा, कक्षा सात में अमान, कक्षा आठ में बुशरा ने तीसरा स्थान पाकर अगली कक्षाओं में प्रवेश लिया। इस मौके पर अकेडमी की अध्यापिका प्रधानाचार्य फरीन खान, राजदा परवीन, शाहिना राहत, मुजाहिद हुसैन, साजिद पठान, नीतू सिरोही, दरक्षा खान को चेयरमैन उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश ने मोमेंटो देकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर चेयरमैन साहब ने कहा कि तालीम इंसान की बड़ी जरूरत है, इसके बिना इंसान अधूरा है। अपने बच्चों को जमीन जायदाद देने के बजाय अच्छी शिक्षा देने का प्रबंध हर इंसान को करना चाहिए। हाजी जहीर अहमद ने भी अपने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर हाजी एहसान अब्बासी, अब्दुल मजीद, शमसुर रहमान शमसी, रईस आलम प्रवक्ता अल्पसंख्यक मोर्चा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के साबिक मेंबर सैयद मोहम्मद हाशिम को भी सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रबंधक फसीउर रहमान बेग ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी सैयद मोहम्मद हाशिम द्वारा किया गया। इस दौरान चेयरमैन साहब के निजी सचिव डॉक्टर अशफाक अहमद उमर, मशहूर कवियत्री डॉक्टर चारू शीला सिंह, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेरठ प्रांत के सहसंयोजक चौधरी इमरान अंसारी, हकीम असर मुरादाबादी, वसीम मजहर वगैरह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा ने इस अवसर पर कहा, ये बच्चे बच्चे और जो भी बच्चे हों वो उर्दू अकेडमी में ये वजीफे के लिए बार बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्लास तीनों बच्चे फॉर्म भरें और वहाँ से वजीफा लें, ताकि उन बच्चों की बहुत सी इस तरह की भी बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है और घर वाले उसको फराहम नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से अगर उन बच्चों को ये वजीफे मिल जाते हैं और आप लोग यहाँ से भेज देंगे फॉर्म, तो हम उसको ज़रूर इसका फ़ायदा दिलाएंगे आप लोगों को। चेयरमैन साहब, आज आप दिगर मुरादाबादी के शहर में हैं, उर्दू वालों से क्या तवक्को रखते हैं आप उर्दू को फ़रोग देने के लिए? उर्दू के फ़रोग के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो मुसन्निफीन हैं या इस तरीके के लोग हैं जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन लोग में अगर कोई बीमार है या कोई पैसे से मजबूर है तो उसके लिए वजीफा हम देते हैं, तो उन लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लोग अपने फॉर्म को वहाँ उर्दू अकेडमी में भेजें, हम उनके वजीफों को पूरे साल के लिए पास कर देंगे ताकि उनको हर महीने वजीफा मिलता रहेगा। एमआरके चिल्ड्रन अकेडमी एवं जामिया अख्तरुल उलूम के प्रबंधक नौजवान माहिर तालीम फसीउर रहमान बेग ने इस अवसर पर बताया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है हमारे चिल्ड्रन अकेडमी मुरादाबाद और जामिया अख्तर उलूम के संयुक्त प्रयास से संचालित किया गया। इस मौके पर हमारी बड़ी खुशनसीबी रही कि उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब चौधरी कैफुल वरा साहब
कैफुल वरा साहब तशरीफ लाए। इसके अलावा जनाब ज़हीर अहमद साहब डायरेक्टर हबीबी ग्रुप और भी कई गेस्ट हमारे तशरीफ लाए और उन्होंने बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये हर साल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारे संस्थान द्वारा किया जाता है। हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, उनको प्रोत्साहन मिले, यही हमारी मंशा है संस्थान की। जो बच्चे स्कूल के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पाए हैं उनको हमने चेयरमैन साहब के हाथों से मोमेंटो और रिपोर्ट कार्ड दिलवाए हैं। हमारे बीच में और भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं। कार्यक्रम जो है अभी जारी है, चलता रहेगा और हमारे जितने भी जो अतिथिगण हैं, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, जो टीचर्स हैं, जो और भी हमारी सामाजिक संस्थान है, हम उनका एमआरके और जामिया अख्तरुल उलूम की तरफ से खैर मकदम करते हैं।